हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। अपने ने आगे पोएम नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर टू देखा, अब पोएम नंबर थ्री पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जिसके कवि है राजेश जोशी, जिसका जन्म हुआ है 1946। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अब अपने देखे तो ये जो पोएम है पुरानी चीज़ों के पक्ष में, उसके बारे में माहिती प्राप्त करें थोड़ी। तो राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्यापक है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों की कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। ये जो पंक्ति है उसमें कहना चाहते हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। लोग नई नई चीज़ों को शौक से अपनाते भी है, पर पुरानी और अच्छी चीज़ों को वे त्याग नहीं देते। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं। नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए न कभी पुराने होंगे, वे हर युग में लोगों के काम आते रहेंगे। इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी रची प्राचीन सभ्यता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उनकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वो हर युग में उनके काम आती रहेगी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज है और हौलिक झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं। आदमी के सारे बहस मुबासिहुस के बावजूद इतना तो तय है, बनमिस्त हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। ये जो है उसमें ये पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि आधुनिक युग में कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, अधिकांश कार्य आज इन सहयोग से ही होता है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के द्वारा ही अपने कार्य संपन्न होते हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी है, यानी अपने अभी तक पुरानी चीज़ें भी अपनाते, उनका उपयोग भी करते। उदाहरण के रूप में साइकिल, साइकिल भले ही पुरानी युग की हो पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाला लोगों का मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था और आज भी अच्छा ही माना जाता है। इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना, नए जमाने में भी दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा है, उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उनकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। आगे का पैराग्राफ, हत्यारों का शोर इसके लिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। डूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि क्रूरता और विनम्रता से ही विनम्रता श्रेष्ठ है, यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है, यानी हिंसा ज़्यादा होती है। ऐसा इसके लिए है कि हत्यारे अधिक संगठित तो होते, विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती, यह बात कवि वृक्ष और डूब के माध्यम से समझाए हुए कहते हैं कि तनकर खड़े
हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते, यानी वो टूटकर नीचे गिर जाते, शोर मचाना यानी। पर लोचदार डूब हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाते, यानी घटादार जो वृक्ष होता है वो कभी भी शोर नहीं मचाता। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है, वही लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है, थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें। आपको इसके पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर टू, एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड एक्सरसाइज नंबर फोर। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।